अस्सलाम वालेकुम, नाइन्थ क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे 5th अप्रैल 2020। सो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं मेटालिक बॉन्ड्स और उसके साथ हम इंटर मोलेकुलर फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड की। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल्स सच एज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड एंड हैवी नेचर सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, मेटेलिक बॉन्ड को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि ये एक ऐसा बॉन्ड है जो मेटल एटम्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस के दरमियान मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो उसके साथ ही मेटल्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो मुनफरिद खसूसियात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके साथ इसका हार्ड और हैवी यानी कि सख्त और वजनी नौयत होने से जो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो तकवीत मिलती है, इस तरह कि मेटेलिक एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड भी है वो भी मुख्तलिफ किस्म का होना चाहिए। इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज्ड एटम्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, मेटल्स में जो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर जो असर है वो बहुत कम होता है, यानी कि बहुत कमज़ोर असर होता है, ठीक है, बिकॉज उसकी वजह ये है कि इन एटम का जो साइज है वो बड़ा होता है और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो कई शेल्स पाए जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होगा जो आउटर जो जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि आउटर शेल, वैलेंस शेल, तो उसके और न्यूक्लियस के दरमियान जाहिर सी बात है बहुत सारे शेल्स होंगे। फर्दरमोर बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल्स मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज दियर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ईजीली, सो रिजल्टेंटली these lose or free electrons of all metal atoms move freely in the spaces between atoms of a metal. So none of these electrons is attached to any particular atom. Either they belong to a common pool or belong to all the atoms of that metal. So nuclei of metal atoms appear submerged in sea of these free mobile electrons. So these mobile electrons are responsible for holding the atoms of metals together, forming a metallic bond. So students, जो है कम आयनाइजेशन एनर्जी की बदौलत मेटल्स में जो है वो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इजीली रिलीज करने का ट्रेंड पाया जाता है, ठीक है। सो इसका जो है रिजल्टेंट हमारे पास इसका नतीजा ये होता है कि मेटल्स में एटम्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं खाली जगहों में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली घूमते फिरते हैं, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी किसी एक एटम के साथ इंडिपेंडेंटली जो है वो जुड़ा नहीं होता, ठीक है। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के साथ कॉमन पोल से ताल्लुक रखते हैं, या फिर इस मेटल के जो तमाम एटम से मुश्तरका तौर पर जो मुंसलिक होते हैं यानी कि जुड़े होते हैं कॉमनली, ठीक है। इसी तरह मेटल एटम्स के न्यूक्लियाई इन इंडिपेंडेंट और जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सी में यानी कि समंदर में डूबे हुए जो है महसूस होते हैं, ऐसा फील होता है, ठीक है, कि जैसे समंदर में डूबे हुए महसूस होते हैं। सो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेटल एटम्स के दरमियान
मेटेलिक बॉन्ड बनाकर उन्हें आपस में जोड़े रखने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इसी तरह आगे जो फिगर है तो उसमें जो है आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। सो ये जो फिगर है ये शो करती है तो मेटेलिक बॉन्ड की जो सिंबॉलिक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें इसके जो ये आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई, और उसके साथ ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं सो इनको इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या ये समंदर में डूबे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम हमें क्या शो करती है, मेटेलिक बॉन्ड की जो सिंबॉलिक डायग्राम जिसमें इसके पॉजिटिव न्यूक्लियाई आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में डूबे नज़र आ रहे हैं, ये जो नीचे लिखा तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट इंटर मोलेकुलर फोर्सेस, ठीक है। एज डिस्कस अर्लियर द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड्स आर केमिकल बॉन्ड्स। इन एडिशन टू दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। द बॉन्डिंग एंड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर शोन। ये आप लोगों के सामने, ठीक है, जैसा कि पहले जो है बयान कर चुके हैं हम कि एक कंपाउंड में जो है वो एटम्स को कंबाइन रखने वाली, इकट्ठा रखने वाली फोर्सेस को क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो बॉन्ड बनाने वाली इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स के दरमियान कंपैरेटिवली कमजोर फोर्सेस भी होती हैं, ठीक है, जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉन्डिंग और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस जो है वो जेल में दिखाई गई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं एच और सी एल के दरमियान, ठीक है। एच पे जो है वो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, ये जो साइन आपको नजर आया इसको पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है, और सी एल पे जो है उसको पार्शियल हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान जो आपको पिंक कलर की जो आपकी स्क्रीन पे आपको लाइन नज़र आ रही है, सिंगल लाइन, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, और वो क्या शो कर रही है कि केमिकल बॉन्ड है जिसने एच और सी एल को आपस में जोड़े रखा हुआ है, ठीक है। द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। एच और सी एल के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह आगे सी एल और एच के दरमियान आप देखते हैं कि, ठीक है, सी एल पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एच पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और उनके दरमियान जो आपको डॉट डॉट लगा नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये कंपेरेटिवली वीक फोर्सेज हैं, तो इनको हम इंटर मोलेकुलर फोर्सेज कहते हैं। इसी तरह फिर एच पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन जो है पार्शियल नेगेटिव है, उनके दरमियान आपको क्या नज़र आ रहा है, पिंक लाइन नज़र आ रही है जो कंप्लीट है, यानी कि डॉटेड लाइन नहीं है, उसको फिर हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह एंड पे अगर आए तो एच और सी एल के दरमियान भी केमिकल बॉन्ड है, लेकिन इनके दरमियान जो वीक फोर्सेज हैं जिनको डॉट से शो करवाया गया, इनको हम इंटर मोलेकुलर फोर्सेज कहते हैं, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलोजोल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटर मोलेकुलर फोर्सेज बिटवीन अ वन मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इट इनटू गैस, वेयर एज अबाउट 430 किलोजोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स इन वन मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि एक मोल जो है, वन मोल लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड माया हालत में, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक करके, यानी कि उसको तोड़कर उसे गैस की हालत में, यानी कि गैशियस फॉर्म में, गैशियस स्टेट में, गैस की हालत में तब्दील करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है, 17 किलो जौल, ठीक है, एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जबकि एक मोल हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 430 किलो जौल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो एक दफा फिर सुन लें, एक मोल लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर उसे गैशियस हालत में तब्दील करने के लिए 17 किलो जौल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो एक मोल हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान केमिकल बॉन्ड तोड़ने के लिए 430 किलो जौल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। सो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज है ये एमसीक्यूज में भी आ जाती है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में